शनिवार 22 जुलाई को भारी बारिश के आसमानी संकट से दिग्रस्त तहसील का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस विकट घड़ी में कई स्वयंसेवी गुटों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इस कड़ी में सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक गौलीपुरा निवासी रुस्तम पप्पू वाले और उनके कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों को शाकाहारी भोजन वितरित कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की ये स्पेशल रिपोर्ट। यवतमाल जिले के दिग्रस शहर और परिसर में अतिवृष्टि से हुई तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। धावंडा नदी को आई बाढ़ से न सिर्फ नदी किनारे रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं, बल्कि शहर और परिसर के अंदरूनी इलाकों के साथ ही मार्केट लाइन में भी पानी घुसने से दुकानों, मकानों और संपत्ति का बेतहाशा नुकसान हुआ है। दो दिन बाद भी बाढ़ पीड़ितों की स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में स्वयंसेवी गुट बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में गौलीपुरा के पूर्व पार्षद उद्धव ठाकरे गुट और पूर्व राज्य मंत्री संजय देशमुख के कट्टर समर्थक रुस्तम पप्पू वाले ने अपने समर्थकों के साथ आगे आते हुए सोमवार को बाढ़ पीड़ित मोतीनगर निवासियों के लिए भोजन का वितरण किया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर उनके युवा साथियों ने उनका साथ देते हुए सामाजिक कर्तव्य को निभाया है। 22 तारीख को शनिवार के दिन दिग्रस शहर में यवतमाल जिले में जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, 316 मिलीमीटर पानी जो गिरा उसमें जो महापूर आने वाला था, वो महापूर में हमारे दिग्रस शहर के जो भी गांव है, दिग्रस शहर के लगत के जो भी गांव है धावंडा नदी के किनारे की, जैसा होगा संभाजी नगर, देवनगर, गौलीपुरा, अपना मोती नगर, अपना संभाजी नगर का ये जो एरिया है, वो एरिया में रहने वाले हमारे जो लोग है क्या वो लोग जो पानी की इसमें चपेट में आने से उनके घरदार थोड़ा जो है जीवन उनका पूरा विस्कलित होने वाला है। और उसमें उनका पूरा घर का जो सामान है, संसार का जो भी सामान है, वो बहकर जाने की वजह से वो बेचारे बेसहारा लोग हो गए। वो लोगों की मदद के लिए गौलीपुरे की तरफ से हमारा जो संजय देशमुख मित्र मंडल है उनकी ओर से उनके खाने का बंदोबस्त जो भी छोटा मोटा होता है वो कोशिश हमारी तरफ से एक पहल जारी है। और जो भी हमसे मदद होती और वो मदद करने के लिए हम सारे जो अपने एरिया के दिग्रस शहर के जो नौजवान लोग हैं, जिले देशमुख मित्र मंडल के भी जो लोग हैं हमारे, वो लोग वो मदद में जुड़े वाले हैं। हमसे जो होता वो मदद हम करने के लिए यहाँ पे तत्पर तैयार। भारी बारिश और बाढ़ में कई लोगों के घरों का भारी नुकसान हुआ है। उन्हें सर छुपाने के लिए छत तक मयसर नहीं हो रही है। इसके अलावा उनके पास खाने और परिवार की उपजीविका चलाने का भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। ऐसे में रुस्तम पप्पू वाले और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।